नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक हो? और घर पे सब ठीक ठाक सभी भाइयों के? तो जो आज की वीडियो है, एक कन्फ्यूजन वीडियो है। सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। बहुत से भाइयों की कॉल, SMS वगैरह वगैरह आते हैं मेरे पास और उनका कन्फ्यूजन दूर नहीं हो पाता, नहीं कर पाता। तो देखो, मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। ये है UMT डोंगल और ये है MMC हार्डवेयर टूल, ठीक है। अब इनमें कन्फ्यूजन क्या, मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं लोगों को बताना क्या चाहता हूँ और वो समझते क्या हैं। अब ये UMT डोंगल है और UMT प्रो डोंगल भी, वो भी ऐसा ही होता। अब ये UMT डोंगल की सिम है, ये आप देख रहे हो, इस पर लिखा हुआ होगा ना UMT डोंगल, UMT, ठीक है, लिखा हुआ ना। ये एक तरीका की सिम है, सिम जो फ़ोन के अंदर सिम होती है हमारी, सेम उसी तरीका की सिम है और इसका भी एक नंबर होता, ठीक है। अब ये है कार्ड रीडर, ये कार्ड रीडर है, ये दूसरा ले लो। अभी मेरे पास स्टॉक में है नहीं, ख़त्म हो रहा नहीं, मैं आपको दिखा देता कि कार्ड रीडर कितने लाल, पीले, हरे, गुलाबी, किस किस तरीका के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो ये कार्ड रीडर है, UMT और UMT प्रो दोनों ही एक जैसे हैं, देखने में एक ही जैसे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस प्रो है तो प्रो में कुछ एडवांस है, जभी तो उसका नाम प्रो रख दिया। अब मेरी बात सुन लो कि UMT प्रो और UMT में क्या डिफरेंस है। UMT और UMT प्रो में यह डिफरेंस है भाइयों कि पहले एक बॉक्स आता था, एवेंजर्स बॉक्स आता था, वो हो चुका है बंद। वो स्पेशल मेडिटेक और स्नैपड्रैगन CPU को सपोर्ट करता था, अब वो बंद हो गया। तो उसका मतलब UMT के अंदर उसका एक साल का एक्टिवेशन दे दिया, तो उसका नाम धर दिया प्रो। तो आप कोई भी UMT प्रो डोंगल लोगे तो उसके साथ एक सॉफ्टवेयर होता है जो कीपैड फ़ोनों को सपोर्ट करता है, इनटेक्स, लावा, आईटेल वगैरह वगैरह, कार्बन फार्बन जो कंपनियों के होते हैं उनको सपोर्ट करता है UMT प्रो। अब चाहे आप UMT ले लो या UMT प्रो ले लो, कोई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1000 रुपये का डिफरेंस है, 1000 रुपये का। और वो 1000 रुपये का डिफरेंस एवेंजर्स बॉक्स के ही माध्यम से, मतलब एवेंजर्स टूल के माध्यम से ही 1000 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। अब UMT और UMT प्रो में ये कन्फ्यूजन आप सभी भाइयों का दूर हो चुका है। अब दूसरी बात सुन लो कि UMT ले लो चाहे UMT प्रो ले लो, उनकी वैलिडिटी आपकी UMT, UMT प्रो, मेरिकल थंडर और आपका जो हेड्रा टूल और एक दो टूल और हैं, इनकी वैलिडिटी एक साल के लिए है, एक वैलिड तक है। अगर आपने डोंगल लिया आज, आपने कंप्यूटर के अंदर उसको लगा दिया, वो कनेक्ट हो गया, चालू हो गया, आज से ही उसकी वैलिडिटी चालू हो गई है एक साल के लिए। आप चाहे उसे घर रखे रखो, चलाओ चाहे मत चलाओ, वो एक साल बाद बंद हो जाएगा। अब उसको एक साल के बाद कितने का रिचार्ज कराना है, देखो उसका रिचार्ज ऐसा होता है कि वैलिडिटी ऐसी होती है कि वो डॉलर के ऊपर, जो डॉलर का प्राइस है, हाई ज़्यादा होता रहता, तो वो डॉलर के हिसाब से उसकी वैलिडिटी का प्राइस होता। अभी तलक लॉकडाउन से पहले उसका जो रीएक्टिवेशन बोलते हैं, उसे रीएक्टिवेशन 1200 रुपये का हो रहा था समथिंग, तो अभी उसका बढ़ा दिया गया, बढ़ा के अब 1600 रुपया हो चुका, मतलब 1600, ठीक है। रीएक्टिवेशन दोबारा से UMT को चलाने के लिए, एक साल की वैलिडिटी और लेने के लिए 1600 रुपये का रिचार्ज है और एक साल तक ही वैलिड रहेगा वो, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा सबका। और जैसे आपका MRT हुआ, UFI बॉक्स हुआ, EGTech प्लस हुआ और भी एक दो टूल हैं, इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इनकी कोई वैलिडिटी का वो नहीं है कि भाई मैंने आज लिया, कल ख़रीदा या वो कोई कैसे, इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। एक चीज़ और, जैसे कि अब इसमें हमें ना इसको चलाने के लिए इसके अंदर 1200 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा, 1200 रुपये का रिचार्ज मतलब एक तरीका का एक्टिवेशन देना पड़ेगा। अब जब तक हम इसके अंदर वो रिचार्ज नहीं कराएंगे तो हम
EMMC हार्डवेयर टूल का जो प्रोग्राम होता, सॉफ्टवेयर होता, उसे हम ओपन नहीं कर सकते, उसे हम ओपन नहीं कर सकते, और इसी वजह से हमें 1200 रुपये का एक्टिवेशन कराना जरूरी है, अनिवार्य है, वरना आपका वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये डाउट भी सभी भाइयों का क्लियर हो चुका होगा। अब बहुत से भाई ये पूछते हैं कि हमें ये लेना है, ये लेना है, तो भाई चाहे आप UMT ले लो, चाहे UMT प्रो ले लो, ये MMC हार्डवेयर टूल सब के अंदर चलता है। ठीक है, अब बहुत से भाई ऐसे हैं कि हमारे पास UMT डोंगल नहीं है, हमारे पास मेरिकल थंडर है, MRT है, और AE टूल कई वर्जन मतलब वो हैं, तो आपके पास चाहे UMT का हो या MRT का हो या मेरिकल का हो या UFI का, वो एक तरीका के कार्ड रीडर हैं। वो उनका काम इतना होता है कि वो कंप्यूटर से फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिविटी का काम है उनका। मतलब कार्ड रीडर होता है ना, जो 10 या 20 30 रुपए का होता है, उसमें मेमोरी आप 8 GB लगाओ, 16 GB लगाओ, 32 GB लगाओ, उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसी तरीका से ये एक तरीका के कार्ड रीडर हैं, इनका काम इतना है कि आप बड़ा फ़ोन लगाओ या छोटा फ़ोन लगाओ, या मेरिकल में चलाओ इसको UMT वाले को, चाहे आप मेरिकल थंडर में चलाओ या AE टूल में चलाओ या MRT में, किसी में चलाओ, किसी का कोई कनेक्शन नहीं है किसी से भी। ये कुछ डाउट थे सभी भाइयों के, जो मैंने फ़िलहाल ये सबके क्लियर कर दिए हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत से भाइयों के जो मेरे पास कॉल आते हैं, वो चाहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी। देखो भाई, कैश ऑन डिलीवरी मेरे पास एक सर्विस है, ये एक तरीका की मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं जो ऑर्डर लेता हूँ, मैं पहले भाई से पेमेंट लेता हूँ जब ऑर्डर निकालता हूँ, और जो मेरा ऑर्डर होता है बिल्कुल जेन्युइन होता है, कोई फेक नहीं होता, नहीं किसी के साथ अभी तलक कोई फ्रॉड हुआ कि भाई मुझे मेरा प्रोडक्ट नहीं मिला, मैंने पैसे दे दिया या वो दे दिए, पैसे मैंने किसी को क्या दिए थे और मेरे पास कोई सामान क्या हुआ। देखो भाई, ऐसा 4-5 हज़ार रुपये से मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा, और वो सामने वाले भैया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भगवान जिसको जितना देता ना, सबको देता, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो दूसरे का पैसा हराम का खाता ना, वो बस हराम ही होता भाई। किसी का पैसा मेहनत का होता, कोई आप ऐसे तो कैसे खा जाओगे किसी दूसरे का पैसा, मुझे ये बताओ है। और आजकल क्या हो रहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत से भाई जुड़े हुए हैं, तो उसमें बंदे कुछ काम कराने के लिए जुड़ते हैं, और किसी से कांटेक्ट किया, बोलते हैं कि भाई इनबॉक्स में आ जाओ, ठीक है इनबॉक्स में जाओ, और उससे कांटेक्ट करते हैं, और वो भाई पेमेंट पहले दे दो। भाई मैं जितने भी भाई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हों, सबसे बोलना चाहता हूँ कि भाई पहले काम कराओ और पेमेंट बाद में दो। और बहुत से भाई ऐसे भी हैं कि जो काम करवा लेते हैं और पेमेंट बाद में नहीं देते। भाई क्यों नहीं देते आप, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई, नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी, कभी कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, इन चीज़ों का गौर दिया करो यार। 100, 200, 400, 500, 1000 रुपये से कोई मोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ हैं, इनको देखो समझो और एक दूसरे से कन्वर्ट करो यार। ऐसे नहीं होता, आप ये सोच रहे हो कि भाई मैंने फलाने का इतना पैसा ले लिया, वो मेरा पैसा लेके भाग गया, और भाई कौन कौन ग्रुप एडमिन किस किस को देखेगा, आप किस किस ग्रुप एडमिन को कॉल करोगे, किस किस को कांटेक्ट करोगे। ग्रुप एडमिन से आपने पूछा कि भाई मैं इस बंदे से काम करा रहा हूँ, इसे पैसे दे दूँ, श्योर है नहीं है श्योर? तो भाई ये चीज़ है, जिस बंदे से आप काम कराते हो ऑनलाइन, तो उससे पहले कंफर्मेशन कर लो, भाई पेमेंट मैं जब ही दूंगा काम करने के बाद, अगर आपको काम करना है तो करो, वरना मत करो, ये खुला बोल दो। जो फ्रॉड बंदा होगा वो तो करेगा ही नहीं, और जो बंदा जेन्युइन होगा वो तो आपका फटाक से कर देगा, कोई ऐसी बात नहीं। उसे पता कि मैं दिन में कितना पैसे कमाऊँ, तो अगर एक बंदा मेरा 100, 200, 400, 500 रुपये खा गया तो मैं मर नहीं जाऊँगा। तो ये चीज़ सोचने समझने की है, समझो भाई हो, ऐसे मत करो, ठीक है। और जिस भाई को डोंगल लेना है ले लो, पहले सब काम हाथ से हो जाता था, क्रैक फ्रैक से सब से हो जाता, लेकिन आज का ज़माना बहुत बदल चुका है। आपको डोंगल की ज़रूरत है, ज़रूरत लो, और बिना डोंगल के काम नहीं होगा। ऑर्डर तो करना पड़ेगा, बिना डोंगल के काम नहीं चलेगा। पहले काम चला लेते थे, अब नहीं होता। और जिस भाई को UMT की ज़रूरत है, ऑर्डर दो, ले लो, कोई ऐसी इतनी महंगी चीज़ नहीं है। शायद आने वाले टाइम में डोंगलों के रेट हाई हो सकते हैं, प्राइस ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि चाइना से आइटम नहीं आ रहा। आपको पता होगा कि चाइना का हाल क्या, फोल्डर क्या प्राइस मिल रहे हैं आज की डेट में, पहले क्या था अब क्या है। तो ये चीज़ सोचो समझो, और
और तो अभी मेरे पास कुछ है नहीं, बहुत जल्दी आपके लिए सभी भाइयों के लिए कुछ आने वाला नया, और कुछ नया करके दिखाएंगे। अभी काम चल रहा मेरा, जैसे मुझे टाइम मिला मैंने ये वीडियो बना दी सभी भाइयों को सोचने समझने के लिए, और सब चीज़ों को बताया है इस चीज़ में क्या करना क्या नहीं करना। तो अब देखो आप, आज संडे है और संडे की छुट्टी है पूरी पूरी, फुल फायदा उठाओ और रेस्ट करो अपना, घर रहो आराम से। तो अब ये वीडियो मैं अब फटाफट से कन्वर्ट कर देता हूँ और वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, इसका देखो लुत्फ़ उठाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं इस चैनल पे, बहुत नॉलेज की चीज़ें मिलेंगी आपको जो आपने कहीं देखी नहीं होंगी और किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस है या नहीं है देखो, चेक करो नीचे ज़रा, अगर नहीं है तो बेल आइकन प्रेस करो, ऑल करो उसे। और भैया वीडियो को लाइक भी कर दे यार, इतना मोटिवेट इतना समझाने की बातें करते हैं हम आपसे, बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक नॉलेजें देते हैं हम, और किसी को ऐसे नहीं बताते, किसी चैनल पर आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है ना भाइयों। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, और कोशिश करूँगा कि जो मेरा ये सब सारा सेटअप आप देख रहे हो ना पीछे, एक नई दुकान में शिफ्ट हो जाएगा, दुकान बन चुकी है, अभी शटर रह रहा, पुताई होने वाली है उसके अंदर, और एक दो काम है वो हो जाएंगे जब, उसके बाद आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और इतना ही, मम्मी पापा का ख्याल करना और अच्छे से रहा करो। जय हिंद, वंदे मातरम।